कोई धीरेन राय जाए सर, तीन गोली लगी है। हाँ ले गए ऑपरेशन थिएटर। हाँ जी सर, हाँ राजा की पत्नी है छाया राजा। मिसेस सहजा, आपको कुछ आइडिया है कि आपके हस्बैंड पर गोलियां किसने चलाई हो? सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अब तक उससे मिल भी नहीं पाई हूँ, अंदर है वो। इन्होंने ही फोन किया था मुझे कि गोली लगी है, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। छाया, मैं एलएनसी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम जल्दी से वहां पहुंचो। क्या हुआ, हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो तुम? प्लीज मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे गोली लगी हुई है, तुम प्लीज जल्दी से आ जाओ। आपका कहने का मतलब है कि गोलियां लगने के बावजूद आपके हस्बैंड खुद ड्राइव करके यहां तक आए? सर इसके अलावा तो मुझे कुछ भी नहीं पता। सिस्टर पेशेंट कैसे? अभी कुछ कहना मुश्किल है, एक गोली तो हमने निकाल दी है। एक्सक्यूज मी, मुझे ब्लड लेने जाना है। धीरेन रहेजा के साथ क्या हुआ था यह तो तभी पता चल सकता था अगर वो बच जाता है, किसने उसे गोली मारी, कहां मारी और क्यों मारी। लेकिन इस मामले के साथ ही शूटआउट का एक सिलसिला शुरू हो गया, एक के बाद एक, जिसने पुलिस फोर्स को झकझोर कर रख दिया। डॉक्टर साहब कैसे हो? उनकी हालत अभी स्टेबल है, हमने सारी गोलियां निकाल दी हैं। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ सर? हमें भी उनसे कुछ बात करनी है। देखिए आधे घंटे के बाद हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद आप लोग मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी। आपका कहना है कि तीन गोलियां लगने के बावजूद आप खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल तक पहुंचे? आसपास मदद के लिए कोई नहीं था, ऐसा नहीं करता तो शायद वही मर जाता। कहाँ हुआ था ये? पीडी क्लब में। पीडी क्लब, पास में ही है कोई 15 मिनट की दूरी। एग्जैक्टली क्या हुआ था? वहाँ मेरी एक क्लाइंट मीटिंग थी, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मार्केटिंग हेड हूँ। मैंने करीब 9:30 बजे के आसपास अपनी मीटिंग फिनिश की और फिर पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा था। Excuse me, ये LNC हॉस्पिटल कहाँ पड़ेगा भाई साहब? LNC आप यहाँ से बाहर निकलिए, राइट लीजिएगा, 2 सिग्नल के बाद लेफ्ट लेंगे, 10 मिनट में आप LNC हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। थैंक यू। ओके। भाई साहब ये LNC हॉस्पिटल कैसे जाए? यहाँ से बाहर निकलिएगा, राइट लीजिएगा, फिर 2 सिग्नल के बाद लेफ्ट ले लीजिएगा, 10 मिनट में आप LNC पहुंच जाएंगे। भाई साहब मुझे LNC हॉस्पिटल जाना है, क्या आप रास्ता बता देंगे? क्यों भाई, सबको LNC हॉस्पिटल ही जाना है क्या? सबको नहीं, सिर्फ तुम्हें जाना। अरे हेल्प, हेल्प, पकड़ो भाई, पकड़ो, अरे पकड़ो, पकड़ो, अरे हेल्प, पकड़ो।
फिर खुद ही गाड़ी चलाकर यहां तक पहुंचा। रास्ते से ही वाइफ को फोन किया। कौन थे वो चार लोग? कुछ पता नहीं कौन थे। पहले तो मुझे लगा कि वो वाकई में पता पूछ रहे, लेकिन जब तीनों ने एक ही सवाल पूछा तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी। सब एलएनसी हॉस्पिटल का ही पता क्यों पूछ रहे? मिस्टर रहेजा, इससे पहले कभी आपको कोई धमकी मिली थी? कोई एक्सट्रॉक्शन थ्रेट? नहीं सर, मैं एक ऑर्डिनरी वर्किंग मैन हूँ, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, कौन थे, कुछ पता नहीं है सर। आप उनका हुलिया बयान कर सकते हैं? हमें स्केचेस बनवाने हैं। मैं ज़्यादा कुछ बयान नहीं कर पाऊँगा। जरा सा देखा था उन्हें और फिर गोली लग गई। इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि उन सबकी उम्र 25 से 30 के आसपास रही होगी। एक्सक्यूज मी, पेशेंट को भी आराम की ज़रूरत है, आप लोग प्लीज़ बाहर जाइए। हमने कोई सफाई या छेड़छाड़ नहीं की, सब कुछ वैसा ही है, क्योंकि हमें पता था इन्वेस्टिगेशन होगी। आपके क्लब में सिक्योरिटी है? साहब, मेरी ड्यूटी मेन गेट पे थी, ये सब इधर हुआ। जब मैंने गोलियों की आवाज़ सुनी तो इधर आया और उन्हें मोटरसाइकिल पर भागते हुए देखा। हालांकि वो चारों मेरे सामने से निकले पर मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पाया, मोटरसाइकिल बिल्कुल मेरे सामने से निकल गई। जब वो क्लब में अंदर आए होंगे तब तो देखा होगा उन्हें। नहीं साहब, मैंने उन्हें आते हुए नहीं देखा। आपके यहाँ सर्विलेंस कैमरा लगे? अंदर इंस्टॉल हो गए हैं, लेकिन बाहर अभी बाकी है। एक भी सुराग नहीं। इस तरह से शूटर्स को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Yes! काम हो गया है। एकदम सही जगह पे लगा निशाना, मस्त। चलो, दूसरे निशाने का टाइम आ गया। मंथन अग्रवाल, आई एम द एचआर मैनेजर। देखिए सर, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, धीरेन रहेजा से कंपनी में किसी की भी कोई दुश्मनी या आपसी अनबन नहीं है। उन्हें ना कोई थ्रेट थी, ना ही फ्रॉडी के लिए कॉल आया। कोई तो वजह होगी ना कि उन्हें टारगेट बनाया गया। कभी कंपनी में किसी से झगड़ा हुआ हो? हमारी एक बहुत रिप्यूटेड कंपनी है सर, हमारे हर एम्प्लॉय को एक अच्छे खासे बैकग्राउंड चेक के बाद रखा जाता है। धीरेन एक बहुत अच्छी पोस्ट में है, सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। कंपनी में किसी से कोई भी दुश्मनी का ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन पर जानलेवा हमला किया जा सके। जान जाते जाते बची है उनकी। आई नो सर, बट मेरी समझ से बाहर है ये। क्यों चार आदमी बिना किसी वजह, बिना किसी मकसद के किसी आदमी पर 3 गोलियां डालते? सर, मैं इन्फॉर्मर्स को एक्टिव करता हूँ, हो सकता है किसी गैंग का हाथ। लेकिन क्यों हमला किया? क्यों? सवाल ये। हाँ बेटा हाँ, तुम्हारी माँ ठीक है, अरे वो सो रही है, तुम चिंता मत करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं हूं ना यहाँ पे। हाँ हाँ, मैं रिसेप्शन पे सो जाऊंगा। अरे हाँ बेटा हाँ, मैंने डिनर ले लिया है, ठीक है, ओके। चल चल चल, कोई आयु से पहले भागना होगा। चल 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 चल, सर, फिर से फायरिंग हुई है। कहाँ? एलएनसी हॉस्पिटल के बाहर। एक 55 साल के नागेश यादव को गोली मारी गई। वो बच गया साहब, अभी कहाँ? ICU 2 में। और वैसे सर, गोलियां निकालनी थी। बेटा, अपनी अम्मा को कुछ मत बताना। ओके बाबा। नागेश यादव जी, मेरी माँ अस्पताल में है सर, और मेरे डिपार्टमेंटल एग्जाम चल रहे हैं अभी, तो इसलिए पापा ही माँ की देखभाल करते हैं। आप पर गोलियां किसने चलाई? मालूम नहीं सर, मैं अपने बेटे से फोन पे बात कर रहा था, अपनी कार के पास पहुंचा ही था कि अच्छा।
अचानक किसी ने फायरिंग शुरू कर दी। मैं नीचे गिर पड़ा। मैं उन लोगों को देख नहीं पाया सर। ये जो फायरिंग आपके ऊपर की गई, ये हॉस्पिटल के मेन गेट के अंदर से की गई या फिर बाहर से? पता नहीं सर, मैंने सिर्फ बाइक्स की आवाज सुनी। पापा को याद ही नहीं उन लोगों ने कहां से फायर किया। सर वो यहां पर पड़े हुए थे और उनका मोबाइल वहां पर। उन्होंने कहा कि वो लोग बाइक्स पर थे। सर उन्हें गोलियां चलने के बाद बाइक्स की आवाज सुनाई दी थी। तुम्हारे पिताजी को किसी ने कोई धमकी दी थी? उन्हें कोई क्यों धमकी देगा, मेरे पापा इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, उनकी किसी के साथ क्या दुश्मनी होगी। फिर भी कुछ लोग तो थे जिन्होंने गोलियां चलाई। क्यों? धीरेन को लगी हुई 3 बुलेट्स हैं और नागेश को लगी हुई 2 बुलेट्स, और सबके सब सेम है। सर सेम गैंग के 4 लोग भी। धीरेन से उन्होंने एलएनसी हॉस्पिटल का रास्ता पूछा और नागेश को एलएनसी हॉस्पिटल के ठीक सामने गोली मार दी। इनके बीच कोई कनेक्शन तो नहीं? कनेक्शन? आप कहना क्या चाह रहे हैं? इन दोनों शूटआउट्स के बीच एलएनसी हॉस्पिटल कॉमन। पहले शूट किया गया, फिर उनको हॉस्पिटल लेकर आए। जाहिर सी बात है कि किसी भी घायल को हॉस्पिटल ही लेकर आया जाता है और एलएनसी इस एरिया का सबसे फेमस हॉस्पिटल है, इसलिए उनको यहां लेकर आए। ये हो क्या रहा है? चक्कर क्या है? ये कोई रैंडम शूट आउट है या फिर? सर ये कोई गहरा राज लगता है जो अभी तक सामने नहीं आया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग मिलना तो चाहिए। क्यों मुस्कुरा रहा है? हैं? क्यों मुस्कुरा रहा है? सॉरी सर। हाँ सॉरी बोलना अच्छी बात है। चल फुट यहां से, फुट। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। चल। जी जी सर। सलाम। क्या है? क्या कर रहे हो? खुद से ही बातें कर रहे हो? चल जा अंदर जा। क्या हो क्या गया है तुम्हें? जब तुझे बोल रहा हूं अंदर जाके सो जा, बात क्यों नहीं सुनती मेरी? जानती नहीं मुझे? जा। साला दहशत मचा के रखी है। बाइक पे आते हैं, धाए धाए गोली बरसाते और निकल लेते हैं। हमने तो सुना है भाई, जो सामने पड़े ये उसी को गोली मार देते। अरे जीना मुश्किल हो गया है, पुलिस के हत्ते भी कुछ नहीं चढ़ रहा। निशाने पे लग रही है गोली, फट गई है सबकी। अरे हाँ रेखा, हाँ संभाल कर आऊंगा। अब उनके दर से मैं काम करना छोड़ तो नहीं सकता ना। मैंने न्यूज में पढ़ा था वो लोग एवी गोली चला देते हैं, किसी को भी गोली मार रहे हैं। हाँ अगली गोली मुझे ही लगने वाली है। देखो मुझे जाने दो, अब गोली लगने से पहले जितना काम कर सकता हूँ उतना तो करने दो। शुभ शुभ बोलिए, वरना मैं पूरे दिन डरती रहूंगी। देखो मुझे कुछ नहीं होगा और वैसे भी पुलिस आज उन्हें पकड़ने वाली है, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। हम एकदम अंधेरे में है और पूरा शहर दहशत में। सर इन लोगों को पकड़ने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, पर अभी तक कोई सुराग हमारे हाथ में नहीं। सिर्फ इस्तेमाल की गई गोलियां ये इशारा करती है कि ये सेम लोगों का काम है। इनमें से एक गैंग जरूर इसमें शामिल है। सर हम चौधरी गैंग और जोगराज गैंग पर जांच कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके पकड़ो उन हथियारों को, जब तक ये राज बना रहेगा शहर में डर बढ़ता रहेगा और हम पर उंगलियां उठती रहेंगी। बार बार यही सुनने को मिलेगा कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे निठल्ली बैठी है। रंजन चौधरी पिछले 3 महीने से जेल में ही है, लेकिन चौधरी का गैंग तो काम कर ही रहा होगा। चौधरी एक सच बताना, ये जो शूट आउट्स हो रहे हैं ये तेरे गैंग के करतूत हैं? साहब जी ना कोई धमकी
ना फिरौती, धेला भी नहीं। मारा गैंग ऐसे फालतू काम ना करता। जब पैसे ही नहीं तो गोली क्यों कर बर्बाद करें? तो फिर क्या है जोगराज गैंग का काम? मन नहीं लगता साहब जी, कोई पेशेवर बिन पैसे के गोली क्यों चलाएगा? बेमतलब गोलीबारी, क्या ये गोलीबारी सही में बेमतलब हो रही थी, बिना किसी वजह के हो रही थी? पुलिस इसका सुराग ढूंढने में एड़ी चोटी एक कर चुकी थी, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आ रहा था। एक सिरा भी हाथ नहीं लग रहा था जो शूटआउट्स के मकसद तक पहुंचा सके, और शूटआउट्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सर वैसे बुलेट्स। इस रघुवीर नारंग की बीवी नीलिमा बाहर खड़ी है, उसने एक वीक पहले कंप्लेंट दर्ज कराई थी। इनके भाई रमेश और विजय के साथ इनका पुश्तैनी जमीन को लेकर कोई झगड़ा चल रहा है। फिर से उन्हीं चार हत्यारों का काम। निशांत, निशांत नाम का एक दुकानदार है जो इनकी डेड बॉडी को यहां लेकर आया। मैंने तो हफ्तों पहले कहा था कि मेरे देवर इनकी जान लेना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं गया था सर, और मैंने विजय और रमेश को वार्न भी किया था कि रघुवीर जी से दूर रहे। फिर भी तो उन्होंने इनकी जान ले ली। मैंने ठीक से देखा नहीं सर, वो लोग मोटरसाइकिल पर थे। दो मोटरसाइकिल? जी साहब। इन दोनों मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर देख पाए थे आप? नहीं सर, काफी दूर थे वो। जब गोलियों की आवाज सुनकर मैं वहां पहुंचा तब वो निकल रहे थे, लेकिन मोटरसाइकिल वाले रमेश और विजय नहीं थे, ये पक्की बात है, उन्हें मैं जानता हूं सर। लेकिन उन्होंने ही मेरे पति की जान ली है। विक्रम जी, इन दोनों भाइयों को हिरासत में लेना, इनसे हमें जरूर कोई ना कोई लीड मिलेगी। साहब हमने क्या किया साहब? सब बड़ा साहब, हमारे भाई के मर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है साहब। हम मानते हैं साहब कि पिताजी की जमीन को लेकर हमारे बीच झगड़ा चल रहा था, लेकिन इसके लिए हम उनकी जान कभी नहीं लेंगे साहब। क्यों दूध का धले हुए हो तुम दोनों? अब जमीन के हिस्से की बात थी, रघुवीर चाहता था कि इसको ज्यादा हिस्सा मिले, क्योंकि जमीन खरीदते वक्त उसने बापूजी को उसके पूरे पैसे दिए थे, और जबकि हमारा कहना था कि जमीन का बंटवारा बराबर हो। साहब उसे मार के हमें क्या मिलेगा साहब? हाँ सर, रघुवीर भाई के न रहने से जमीन तो उनके बेटे के हिस्से जाएगी, लड़ाई तो वहीं की वहीं रही ना साहब। इसीलिए तो तुम दोनों ने उन्हें मारने का प्लान बनाया, पहले बाप को मारा और अब बेटे को मारने वाले थे। नहीं सर। बोलो किसको दी थी तुमने सुपारी? बोलो सब हम खेत मजदूर है साहब, हम किसी को सुपारी देकर मारने वाला काम नहीं कर सकते साहब। सब दो रोटी कमा कर किसी तरीके से पेट पालते, अब ऐसे में पैसे देकर अपने भाई को मरवाने के बारे में सोच भी नहीं सकते साहब। तोड़ो इन दोनों को, जब तक ये बता नहीं दें कि किसको इन्होंने सुपारी दी। सर आपको लगता है ये भाड़े के हत्यारों का काम है? हो सकता है धीरेन और नागेश को मरवाने के लिए भी किसी ने पैसे दिए। कोई तो वजह है जिसे धीरेन और नागेश समझ नहीं पा रहे, कोई लीड नहीं दे पा रहे, कोई फ्रोती नहीं, कोई धमकी नहीं, कुछ नहीं, नहीं। कोई तो है जिसने इन चारों को पैसे दिए हैं इस काम के लिए। सर हमें धीरेन और नागेश से एक बार और बात करनी चाहिए। इतनी रात को? पता चला तेरे बाबूजी पटना गए, इसलिए मैं आ गया। तुम भी क्या है ना? अब क्या सब दरवाजे भी पूछेगी? चल ना अंदर चल। चल। बलराज मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, तुमने पी रखी है। हैं?
पर मुझे तो अच्छा लगता है ना विनीता। तुम ऐसे यहाँ कभी मत आया करो बलराज। क्या क्या बोली तू? क्या बोल रही है मेरी जान? थाने में शिकायत करेगी? मैं आऊंगा, जा करना शिकायत, जा करना। विनीता तू ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, कसम से तू बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है तू। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं, मुझ पर गोलियां कोई क्यों चलाएगा? इम्पॉसिबल, मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं। मिस्टर रहेजा, तीन लोग आपके पास आते हैं और तीनों ही आपसे एलएनसी हॉस्पिटल का रास्ता पूछते हैं, फिर उसमें से एक आपसे कहता है कि आपको एलएनसी हॉस्पिटल जाना है। सबको एलएनसी हॉस्पिटल ही जाना है क्या? सबको नहीं, सिर्फ तुम्हें जाना। सर मेरा कोई फैमिली डिस्प्यूट भी नहीं है, ऑफिस में कोई झगड़ा भी नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कोई मुझ पर गोलियां क्यों चलाएगा। सलाम सर। साहब जितना हो सकता था सब खोल डाला, इसमें ना चौधरी गैंग का हाथ है ना जोगराज गैंग का। कोई और गैंग हो सकता है जिसका अभी हमें पता ना हो। साहब ऐसा होता तो दो सेकंड में बात फैल जाती। वैसे अजीब बात है कि बेवजह लोगों को गोली मारी जा रही है। कौन हो सकता है? साहब सारे के सारे पंटर को हिरासत में ले लीजिए आप, अगर शूट आउट रुक गया तो समझिए उनमें से कोई है। जी नहीं सर, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे मारने की सुपारी देगा। कोई पुरानी दुश्मनी? ठीक से याद करिए, या अभी हाल ही में किसी के साथ कोई अनबन हुई हो? नहीं सर। आपके काम करने की जगह पर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा जिसकी वजह से कोई आपकी फैमिली को निशाना बनाए? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। साहब बीवी बच्चों की कसम साहब, साहब ने कुछ नहीं किया साहब। हम सच कहते साहब, हमने किसी को सुपारी नहीं दिया साहब। एक बार फिर से सोच लो, अगर झूठ बोला ना तो इधर ही नरक के दर्शन करा दूंगा। साहब हम सच कह रहे हैं साहब, आप हमारी बात सुनो साहब। सर हर हिस्ट्री शीटर से, हर मर्डर की कोशिश करने वाले से, गोली बेचने वाले तक से पूछताछ कर, किसी को भी अंदाजा नहीं है कि शूटर कौन हो सकता। तो फिर है कौन? स्कूल जा रहा हूँ। पापा मैं स्कूल जा रहा हूँ। अच्छे से पढ़ना ठीक है, मन लगा के, बड़ा आदमी बनना, नाम कमाना। ठीक है पापा। राजू स्कूल से सीधे घर आना। ठीक है माँ। आप काम पे जाना कब शुरू कर रहे हो? घर चल रहा है ना, अच्छे से चल रहा है ना? आप रोज रात कहाँ निकल जाते हो? काम पे। किस काम पे? ए! एक सवाल का जवाब दे दिया तो सवालों की झड़ी लगा दी तूने? आप कहीं फिर से उस औरत के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? ए! बंद रख अपना जुबान ठीक है ना, फालतू के सवाल मत कर मुझसे, चल अंदर जा। साला चैन से घर में चाय भी पीने को नहीं मिलता है। लगता है भाभी जी को पता चल गया, अब भी तेरा वहाँ पे लफड़ा चालू है। अरे नहीं बे, अगर भाभी जी को पता चल जाता ना तो बल्लाज को घर पे गोली मार देती। पता चले तो चले, क्या फर्क पड़ता है? और सुन, हम उनमें से नहीं है जिनकी अपनी बीवी से फटती हो। रुको, गाड़ी पीछे लो।
नमस्ते साहब। सब ठीक ठाक है? जी हाँ साहब, सब ठीक है। बीवी बच्चे कैसे? वो भी ठीक है साहब। रख लो। सलाम सर। चलो। आज रात को कुछ करना है। सर हमने हर तरफ से जांच की है, लेकिन इन तीनों शूटआउट्स के बीच कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। बस एक है, तीनों के तीनों विक्टिम्स को एलएनसी हॉस्पिटल ले जाया गया था। क्योंकि घायलों को अस्पताल ले जाना होता है और एलएनसी हॉस्पिटल शहर का टॉप हॉस्पिटल है। तीन शूटआउट्स, दो लोग बचे, एक मरा, और हथियारों का अभी तक कोई सुराग नहीं। हथियार भाड़े पर लिए गए हो ऐसा लगता तो नहीं है सर? समझ में नहीं आ रहा, ना कोई धमकी ना कोई फिरौती। तो क्या हमारे सामने ऐसे शूटआउट्स हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं? ये क्या किसी साइकोपैथ या दिमागी तौर पर बीमार आदमी का काम है? सर मैं कई लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, कुछ पुराने साइकोपैथ केसेस भी देख रहा हूँ, शायद कोई कड़ी मिल जाए। जल्दी करो, हमें ये केस जल्दी सुलझाना है, इससे पहले किसी पर जानलेवा हमला हो, कोई अपनी जान से हाथ धो बैठे। पास गुलशन बोल रहा है 2,25,000 रुपए। तुमने हिसाब लगाया था ना, 2,25,000 रुपए बन रहा था। हाँ विक्रम, मैंने हिसाब लगाया था, मैंने वहाँ 1.5 साल काम किया है, अगर सारे इंसेंटिव जोड़ो तो 2,25,000 ही बनता है। तो ठीक है ना, उसे 2,25,000 ही देने होंगे। सिर्फ 2,25,000 देने बनते हैं मुझे, ये देखिए पेपर्स। अच्छा तो आपने हिसाब किताब अपने हिसाब से बनाया? यही मैंने देने का वादा किया था। गुलशन जी, इस पे मैंने अग्री नहीं किया था, मुझे मुझे तभी अपना रिटर्न अग्रीमेंट बनवाना चाहिए था। देखिए आप मेरी वाइफ के साथ चीटिंग कर रहे हैं। ये बिल्कुल कोई चीटिंग नहीं है, इतना ही बकाया बनता है इनका। ये आपको चाहिए तो मैं भी दे देता हूँ, मैटर यहीं खत्म कर दूँ। अच्छा तो आप हमें धमकी दे रहे हैं, लेना तो लीजिए नहीं तो जाइए। जी नहीं, मैं वाजिब बात कर रहा हूँ, धमकी तो उल्टे आप लोग दे रहे हैं मुझे। साहब फैक्ट्री के बाहर गोली चली है, किसी एसयूवी गाड़ी के ड्राइवर को गोली लगी है। मेरा ड्राइवर कपिल? जी साहब शायद। दो और शूट आउट्स हुए, एक फैक्ट्री के बाहर और एक बाईपास रोड। विक्टिम्स कहां पर हैं? एलएनसी हॉस्पिटल। जी मैंने उन लोगों को नहीं देखा, लेकिन शायद वो दो लोग थे।
क्या वो बाइक पे भागे थे? पता नहीं, मैंने उन्हें भागते हुए नहीं देखा। जब उन्होंने मुझे गोली मारी तो मैं बाइक पे था, मैं उन्हें देख नहीं पाया। लेकिन आपने बताया कि दो लोग थे। हाँ साहब, जब उन्होंने मेरा बैग खींचा तो मेरी उनसे खींचाता नहीं हुई थी। उन्होंने मुझे लात मारी और बैग लेकर भाग गए। बैग में क्या था? 12 लाख रुपए थे साहब, गजेंद्र जी को देने जा रहा था। मेरे सेठ पवन जी के पैसे हमेशा मैं ही देने जाता हूँ। इतने सारे पैसे तुम अकेले लेकर जा रहे थे, इस बात की और किस किस को खबर थी? गजेंद्र जी और पवन जी के अलावा और कोई नहीं। सर, ये उसी गुलशन मिश्रा का काम लगता है। सर, हम तो उससे अपना बकाया लेने गए थे जो कि 2.25 लाख बनता है। उसने कहा कि सिर्फ 1.25 लाख है। सर, मेरी वाइफ सोनिया उसके यहाँ मार्केटिंग का जॉब करती थी, जॉब इसने छोड़ दी थी। सर सर, इसका इंसेंटिव इकट्ठा हुआ था जो इतने दिन काम करके बना था। ठीक है, लेकिन इसके लिए वो आपके ड्राइवर कपिल को क्यों मारेगा? सर, उसने मारना हमें ही चाहा होगा, लेकिन हम अंदर थे। सर, ये शूटर को पता नहीं होगा और गलती से उसने हमारे ड्राइवर को गोली मार दी। सर, पवन भाई और हमारा तो सालों का लेन देन है। जी साहब, गजेंद्र भाई और मेरे अलावा किसी को खबर नहीं थी कि पैसा आज रात डिलीवर होना है। लेकिन आज रात आपके डिलीवरी मैन को गोली मारी गई। हम ऐसा नहीं करवाएंगे। 12 लाख के वास्ते इतने सालों का व्यवहार खराब नहीं करेंगे। आपका ये डिलीवरी मैन रवि, कहीं ये तो कोई चाल नहीं चल रहा? हो सकता है यही डबल गेम खेल रहा हो। पहले लूट का नाटक करके अब बेटिंग का नाटक कर रहा हो। नहीं साहब, नहीं। वो मेरे वहां 10 साल से काम कर रहा है, वो मेरे लड़के जैसा है, वो ऐसा नहीं करेगा साहब। साहब, गोली लगी है उसको, वो मरते मरते बचा है, वो क्यों अपनी जान के साथ ऐसा तमाशा करेगा? सर, मैं इसलिए अस्पताल नहीं गया क्योंकि मुझे अंदाजा था ये विक्रम और सोनिया जरूर मुझ पर उंगली उठाएंगे। तो क्या आप शामिल हैं इसमें? मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, नामी बिजनेस है मेरा, शहर में इज्जत है मेरी। 50,000 के लिए क्यों मैं अपनी साख में बट्टा लगाऊंगा? सर बिल्कुल, आप क्यों अपनी इज्जत पर बट्टा लगाओगे? इसलिए तो आपने किराए के हथियारों को पैसा देकर उनसे अपना काम करवा लिया। सर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। सर भगवान कसम, सर सच कहूं तो ये विक्रम जीत जरूर ऐसा कर सकता है, वो खुद अपने ड्राइवर को मरवा सकता है। सर मतलब? सर मैंने सुना है कि उसकी वाइफ का ड्राइवर के साथ अफेयर चल रहा था, उसे मेरी फैक्ट्री के आगे मरवा के विक्रम ने चाल चली होगी, हमारे झगड़े की आड़ में अपने खुन्नस निकाल दी और नाम मेरे मत्थे कर दिया। ये क्या बकवास है सर? मेरी वाइफ का और ड्राइवर का अफेयर? सर ये ड्राइवर मेरे पास 6 साल से काम कर रहा था। सर ऐसा कुछ भी नहीं था। सर अगर वो ऐसा सोचता भी ना तो मैं उसे जान से मार देता। तो तुमने उसे खुद नहीं मारा लेकिन मरवा दिया? नहीं सर, वो मेरे पीठ पीछे ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। सर ये उस घटिया गुलशन की सोच है। सर सर वो खुद को बचाने के लिए ऐसी बेहुदा कहानियां बना रहा है। 5 शूटआउट्स, धीरेन रहेजा, नागेश यादव, कपिल कुमार और रवि गुप्ता बच गए। और एक रघुवीर नारंग मारा गया। लेकिन इन शूटआउट्स का मकसद क्या था? इस गोलीबारी की गूंज में पूरा शहर भयभीत था और पुलिस अब भी लड़खड़ा रही थी क्योंकि उनके हाथ एक भी सुराग नहीं लगा था। सिर्फ रवि गुप्ता के मामले को छोड़कर बाकी किसी भी शूटआउट्स ना तो कहीं पैसा शामिल है और ना ही कोई दुश्मन। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मकसद ना हो? सर, मुकेश सर ने किसी साइकोपैथ की पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा किया था। सर मैं कई लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, कुछ पुराने साइकोपैथ केसेस भी देख रहा हूँ, शायद कोई कड़ी मिल जाए। कहीं ये कुछ वैसा ही मामला तो नहीं है? ये सब की सब शूटिंग है, किलिंग नहीं है। सर में गोलियां तो चली लेकिन सिवाय एक हादसे के किसी में कोई मौत नहीं हुई। ये सब के सब बुलेट्स एक टाइप के लोगों की तरफ इशारा कर रही है। मिस्टर मुकेश, सारे के सारे एलिमेंट्स चेक करो, क्या कॉमन है? हमें तो इन तमाम विक्टिम्स के बीच में कोई कॉमन लिंक नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि उस साइकोपैथ के लिए कुछ ऐसा हो जो कि कॉमन। आपका मतलब है कि हमें कुछ ऐसा कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है जो शायद उस साइकोपैथ को दिखाई दे रहा है? हाँ, एक कॉमन एलिमेंट। मंथन यार, तुम HR मैनेजर हो, क्या कोई है
जिसने तुमसे मेरे खिलाफ कभी कोई कंप्लेंट की हो? नहीं धीरन, कभी किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। मंथन, मैं और तुम इतने सालों से कंपनी में काम कर रहे हैं, तुम्हें मुझसे कभी कोई तकलीफ हुई हो? कैसी बातें कर रहे हो यार, लगता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन से तुम्हारा दिमाग थोड़ा खराब हो गया है। खराब तो हो गया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा। एनीवे, सॉरी यार, काफी काम पड़ा है। सर, अभी तो हमें यकीन होता जा रहा है कि ये जरूर किसी साइकोपैथ का काम। तुम्हारा मतलब ये चारों के चारों जो देखे गए दिमागी बीमार हैं? मतलब ये एक साइकोपैथिक गैंग है? हो सकता है सिर्फ इनका लीडर हो साइकोपैथ, या सर ये हो सकता है कि ये चारों के चारों किसी साइकोपैथ के प्यादे हो, किसी पागल की कठपुतली। क्या सर, अभी तक हमें इन पांचों शूटआउट्स में कोई कॉमन लिंक नहीं मिला है? ढूंढो लिंक, ढूंढो। हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, इन पागलों को इस तरह गोलियां बरसाते रहने नहीं दे सकते। हमारी जवाबदेही, अगर इन्हें जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया तो बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे। सब हेलो। नमस्ते साहब, मैं बलराज बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बलराज। साहब कब तक ऐसे घर में बैठा रहूंगा? देखता हूँ बलराज, देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। जी साहब। हेलो, आप शूटर को ढूंढ रहे हो ना? कौन बोल रहा है? आप शूटर को ढूंढ रहे हो ना? हाँ, लेकिन आप कौन बोल रही है? वो आप में से ही कोई एक है। हम में से कोई एक? जी हाँ, आप में से ही कोई एक, आप ही के जैसा। हाँ लेकिन आप, हेलो, विक्रम पता करो ये फोन कहाँ से आया, ट्रेस करो। सर हम में से कोई एक मतलब क्या हुआ इसका? एक गुमनाम फोन कॉल, कहती है कि हत्यारा हम ही में से कोई एक। हम में से कोई एक मतलब कोई पुलिस वाला? सॉरी साहब, गलती हो गई साहब, देर हो गई। हाँ गलती तो की है तूने, तुझे क्या लगता है माफ कर दूंगा तुझे? हैं? सॉरी साहब, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा साहब। हाँ आइंदा ऐसा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि तुझे बर्खास्त किया जाता है। चल अपना थोबड़ा ले, फुट यहाँ से फुट। जी साहब। मेरे साथ बदतमीजी करने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता है, समझे?
आखिर ये सब था क्या? कौन था ये बलराज? उन्हीं में से कोई एक। ऐसा एक गुमनाम फोन कॉल में एक औरत ने कहा था, उसका इशारा किसकी ओर था? उनमें से वो एक आखिर था कौन? पुलिस के हथियारों तक पहुंचने से पहले और कितने शूट आउट्स हुए, या फिर पुलिस उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाई? क्या पुलिस को इनके बीच का कोई तार मिला जो कि तहकीकात के सिरों को जोड़ पाए और जिससे कि असल हथियारों का कोई सुराग सामने आए? कल रात हम आपको दिखाएंगे इस केस का दूसरा और आखिरी भाग। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।